और भोपाल से अहम खबर, जहां नर्सिंग छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आज से शुरू होने जा रही नर्सिंग की परीक्षा, इस वक्त की अहम खबर है। बड़ी राहत नर्सिंग छात्रों को मिलने जा रही है, क्योंकि अब नर्सिंग की जो परीक्षा है वो अब शुरू होने वाली है। तो आज से शुरू हो जाएगी नर्सिंग की परीक्षा। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, 3 साल से रुकी हुई थी, नर्सिंग परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। तो 30,000 स्टूडेंट इसमें शामिल हो रहे हैं। इस परीक्षा में फर्जीवाड़े की जांच के चलते ये परीक्षा रोक दी गई थी। वहीं 15 मई से बीएससी नर्सिंग सत्र, 20 और 21 प्रथम वर्ष, 16 मई से बीएससी नर्सिंग सत्र, 19 20 तृतीय वर्ष, 17 मई से पोस्ट बीएससी नर्सिंग सत्र और 20-21 प्रथम वर्ष, 20 मई से एमएससी नर्सिंग सत्र, 20-21 प्रथम वर्ष सत्र, 21-22 और 22-23 के छात्रों को अब भी हालांकि इंतजार करना होगा। लेकिन नर्सिंग छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि आज से परीक्षा शुरू होने जा रही है। 3 साल से रुकी हुई थी ये परीक्षा और आज से अब शुरू होने जा रही है। तो 30,000 स्टूडेंट इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हालांकि फर्जीवाड़े की जांच की बात हो रही थी, फर्जीवाड़े की जांच चल रही थी, इस बाबत परीक्षा को रोका गया था, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि बड़ी राहत छात्रों के लिए है। तो भविष्य उनका ध्यान में रखते हुए हालांकि ये फैसला लिया गया है, लेकिन जो दूसरी परीक्षाएं फिलहाल उसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। तो फर्जीवाड़े की जांच के लिए ये परीक्षाएं रोकी गई थी, लेकिन अब राहत भरी एक खबर सामने आई है, जब नर्सिंग की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। 3 साल से रुकी हुई थी नर्सिंग की परीक्षाएं। तो 30,000 स्टूडेंट का भविष्य खतरे में था और अब लेकिन ये कहा जा रहा है कि 30,000 स्टूडेंट ये परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अब थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन एक लंबा इंतजार 3 साल का उन्होंने किया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो फर्जीवाड़े की जांच के चलते हालांकि परीक्षा प्रभावित हुई थी, लेकिन अब ये बड़ी राहत है कि जब नर्सिंग छात्रों को ये परीक्षा देने का अवसर एक बार फिर से मिल रहा है, यानी आज से शुरू हो रही है नर्सिंग की परीक्षा। तो 30,000 स्टूडेंट सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। लगातार इसमें फर्जीवाड़े की संभावना दिख रही थी, फर्जीवाड़ा सामने आया था और इस बाबत परीक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी।